आमिर खान क्या सबकी देखा देखी अब युद्ध भूमि में उतरेंगे, पढ़िए खबर। आमिर खान जितने परफेक्शनिस्ट हैं उतने ही अपने मन के मालिक, कब क्या कर जाएं किसी को खबर नहीं। पहले खुद ही कहा था कि महाभारत बनाने का मन है, लेकिन अब हॉलीवुड की फिल्म के हिंदी रीमेक को लेकर आने वाले हैं। इस बीच ये भी खबर है कि वो बड़े पर्दे पर छत्रपति शिवाजी का रोल भी करने के लिए आतुर हैं। अभी अपने जन्मदिन के मौके पर आमिर ने मीडिया को बताया था कि वो अब फॉरेस्ट गंप का हिंदी रीमेक कर रहे हैं, जिसका नाम लाल सिंह चड्ढा है। अद्वैत चंदन इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। बताते हैं कि आमिर खान अब भी महाभारत में दिलचस्पी रख रहे हैं, लेकिन अब उसे बड़े पर्दे पर नहीं लाना चाहते। आमिर खान छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता भरी कहानियों से बेहद प्रभावित हैं और चाहते हैं कि वो उनका रोल अदा करें। उनका कहना है कि उन्हें लगता है कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे लगते हैं और उनके किरदार को पर्दे पर बखूबी उतार सकते हैं, लेकिन ऐसा कब होगा इसके लिए आमिर खान के पास कोई जवाब नहीं है। हो सकता है अपनी अगली फिल्म लाल सिंह चड्ढा खत्म करने के बाद वो छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में सोचें। आपको बता दें कि इन दिनों ऐतिहासिक किरदारों और युद्ध पर फिल्मों का चलन आ गया है। अफगानों के साथ युद्ध को लेकर अक्षय कुमार की केसरी जल्द आने वाली है। संजय दत्त और अर्जुन कपूर भी पानीपत में दिखने वाले हैं और रणवीर सिंह की तख्त भी इसमें शामिल है। बाहुबली का इतिहास तो आप जानते हैं। हालांकि आमिर खान की पिछले साल आई ठग्स ऑफ हिंदुस्तान भी युद्ध की झलक लिए थे, लेकिन फ्लॉप हो गई और आमिर ने उसके लिए माफी भी मांग ली। हाल ही में आमिर खान ने संकेत दे दिया है कि वो जब पूरी तरह से फिल्मों में डायरेक्शन या प्रोडक्शन करने लगेंगे तब एक्टिंग छोड़ देंगे। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक उन्हें फिल्में बनाना बहुत ही पसंद है। तारे जमीन पर को डायरेक्ट भी किया था, लेकिन फिल्म मेकिंग और एक्टिंग को अलग नहीं देख सकता। शुरुआत एक्टिंग से की गई और उसी का अट्रैक्शन रहा है और यही कारण है कि जिस दिन मैं पूरी तरह डायरेक्टर बनने का फैसला कर लूंगा उस दिन एक्टिंग छोड़ दूंगा। पर अभी ऐसा नहीं है, इसलिए अपने अंदर के डायरेक्टर को सपने में दबा कर बैठा हूँ।